हिंदू राज, हमें चाहिए हिंदू राज, एक कहीं नारा एक कहीं नारा, जय श्री राम जय श्री राम। सरस्वती, हम भारतवर्ष में रह रहे आम हिंदू जनों की भारतवर्ष को वैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की इच्छा एवं भावनाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके पर्याप्त पुष्ट एवं स्पष्ट कारण भी हैं, जो निम्नोक्त हैं। भारत प्राचीन काल से वैदिक सनातनी परंपराओं को मानने वालों का देश रहा है। वर्तमान में भी हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या अधिक है। देश की आधी संख्या जनसंख्या द्वारा अंगीकृत धर्म ही देश का धर्म होता है, यह मान्यता विश्व के अन्य देशों में है। भारत विभाजन के विलेख के अनुसार पिछले 14 जनवरी को हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा पूरे देश के 51 जनपदों पर 14 राज्यों से होते हुए आयोजन हुआ, और संकल्प यात्रा का यह उद्देश्य था कि प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को एक करते हुए हिंदू राष्ट्र की मांग को और हिंदू राष्ट्र के आंदोलन को प्रारंभ करना है। आज यात्रा 37वें दिन प्रयागराज के अंदर 14 राज्यों से गुजरते हुए लगभग 53 जिले करते हुए आज प्रयागराज में समापन हुआ है, और आज देश के 51 जनपदों पर हिंदू राष्ट्र के आंदोलन का आगाज हुआ है। यह हिंदू राष्ट्र का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत का प्रत्येक हिंदू इस आंदोलन से नहीं जुड़ जाएगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक भारत का हिंदू हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित करा देगा, अपनी 80% शक्ति का प्रदर्शन नहीं करा देगा, तब तक यह आंदोलन जारी रखेंगे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के देश भर के कार्यकर्ता प्रत्येक हिंदू के घर में जाकर के उसको परिवार के भाव से जोड़ते हुए उसको हिंदू राष्ट्र के आंदोलन में सम्मिलित करेंगे, और हमारा केवल उद्देश्य है जब भारत में 80% हिंदू है, हिंदू बाहुल्य है 80%, तो ये राजनीति और ये देश हिंदू आधारित और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग यहाँ पर होने चाहिए और यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आज उसी को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को, और आंदोलन की शुरुआत की गई है। प्रत्येक सप्ताह इसकी अलग अलग गतिविधियाँ होंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम सनातनियों को भी आमंत्रित करता हूँ कि अपनी लड़ाई में, ये आपकी लड़ाई है, नहीं आने वाली पीढ़ी आपको कायर कहेगी जब इस प्रकार का माहौल देश के अंदर देखने को मिलेगा, जो देश के अंदर तमाम प्रकार के लोगों के द्वारा सनातन संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू संगठन के निर्माण के लिए 14 जनवरी केंद्रीय कार्यालय प्रयागराज से 50 जनपदों के लिए हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा निकाली गई थी, जिस यात्रा का आज समापन हुआ है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के भारत की सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति को आगाह किया गया है कि हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जाता इस देश को, तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रत्येक हिंदू सैनिक, इस देश का आम हिंदू सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है और हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य है। हम लोग लेकर के रहेंगे हिंदू राष्ट्र। इस देश की सरकारों को आज आगाह कर दिया गया है। भारत, भारत,